जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं नईम चिश्ती ते इस वेले असी जिहड़ी जगह ते मौजूद हाँ पिछे तुसी देख सकते हो किला फोलड़ा दे नाम तो ये जगह जानी जाती है। एक तारीखी किला है ते इस किले दे बारे अज तुहानू थोड़ी जी मालूमात भी देने हैं जां थोड़ा विजिट कराने हैं। अगरचे किला जिहड़ा है सारा खराब हो गया, तबाह हो चुका है, और लेकिन इहदे कुछ आसार इत्थे मौजूद ने। ते इह जिहड़ा फोलड़ा एक जगह का नाम है, एक पिंड का नाम है, एक आबादी हुण फोटाबाद की आबादी बन गई है। लेकिन फोटाबाद शहर जिहड़ा है वो पहला उदा कह सकते हैं कि उनका पहला नाम जिहड़ा है वो फुलड़ा ही होंदा सी। ते जिहड़ा दा रेलवे स्टेशन है फोटाबाद का वह भी फुलड़ा रेलवे स्टेशन के नाम तो पहला उनका जिहड़ा नाम रखा गया। तो आओ तुहानू विजिट कराने हैं ये तारीखी महल जिहड़ा कि खराब हो चुका है, बर्बाद हो गया है, लेकिन इहदे आसार बाकी ने। तो आओ तुहानू ये दिखाने हैं। जी दोस्तों है फुलड़ा किला है जी, जिहड़ा अपनी आखिरी सावां लै रहा तुसीं कह सकते ने, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। बस चंद साल बाद शायद हो सकता है कि सफाई हस्ती तो मिट जाए। फोटाबाद शहर की एक मुलहिका आबादी है, फोटाबाद शहर के विच ही ये मौजूद है। तो इतों ही सड़क जिहड़ी है वो अगे बॉडर वाली साइड से जिहड़े पिंड ने उत्थे जांदी। इतों इंडिया का बॉडर जिहड़ा इंडिया पाकिस्तान का जिहड़ा बॉडर है वह कोई तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर होना है। यह बैरूनी दीवार है जी, उन्हें तुसी वेख सकते हैं कि सिर्फ मिट्टी नज़र आ रही है, और ये जिहड़ी इट्टां ने बैरूनी साइड से पुख्ता इट्टां वो लोगों ने पट लिया ने और अपने उन्होंने मकान कदा बना लिया ने। तो बाहरली साइड से पुख्ता इट्टां और अंदर इन मिट्टी नाले किला तमीर किया गया, और असी बड़ी कोशिश के बावजूद भी इन बारे कोई इनफॉर्मेशन नहीं लै सके, ना लोगों को ना इंटरनेट तो किधरे भी पता नहीं चल सकया कि इस किले नू बनाया किन्ने और इत्थे कौन रहिंदा रहा। बस एक रवायत है कि शायद इस इलाके ते जिहड़े हुक्मरान अब्बासी खानदान जिहड़ा हुक्मरान आया उन्होंने किला तमीर किया, लेकिन आखा जाता है कि शायद ये भी रवायत ठीक नहीं है। और एक रवायत होर भी है कि इत्थे पमर खानदान का एक राजा जिहड़ा है वो उन्हें किला बनाया, इत्थे रहिंदा रहा, इस इलाके ते उनकी हुकूमत आई, तो फिर किसी होर ने उन्होंने शिकस्त दी, फिर उन्हें मार दिता गया, फिर उनका बेटा बड़ा होया, उन्हें बदला लिया अपने बाप का, तो फुलड़ा किले नू दोबारा हासिल किया। इस तरह की रवायत ने, लेकिन कोई अथेंटिक रवायत साढ़े को नहीं है कि ये किला की है, इसकी तारीख की है। चौलस्तान के किला खड़ा है जी, और ये खुद भी मिट्टी हो रही है, और इनकी तारीख भी शायद चौलस्तान की रेत नाल मिल गई है, सानू पता नहीं चल सका। बिल्कुल इनकी देखभाल ना होने के बराबर है, गौरमेंट कोई तवज्जो नहीं दे रही, लोग जिहड़े इत्थे विजिट करन आते हैं कोई ख्याल नहीं रखते, चारों तरफ आबादी नाल ये किला घिर गया है। इनका जिहड़ा मेन एंट्रेंस है, गेट है, वह भी नहीं पता चलता, घर बन गए ने आसे पासे हर तरफ, हर चीज़ मुनहदम हो गई है। कोई ये सिर्फ मिट्टी का ढेर ने और दीवारा ने और कुछ आसार बाकी ने जेड़े कि बहुत तेज़ी नाल ख़त्म हो रहे हैं। फोटाबाद तो मंडी यजमान या मरोट वाली साइड पर भी किला जामगढ़ और किला मीरगढ़ है ने जेड़े बहुत तेज़ी नाल डिग रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, उन्होंने भी कोई देखभाल नहीं की जाती। पुख्ता इट्टा खिलरी हुई ने, कई खड़िया ने, और इनके इर्द गिर्द जी आबादी है उन्होंने मकाना सानू इट्टा नज़र आ रही। देखो जी किसी दौर जे किला आबाद होना है, इतने बहुत सारे लोग वसदे होने ने इतने, जिन्होंने किला बनाया कितनी मेहनत ना बनाया होना, कितने लोगों ने मिल के बनाया होना, लेकिन आज उन्होंने नामो निशान भी बाकी नहीं है। और फोटाबाद का पहला नाम कहा जाता है कि फुलड़ा है, और शायद वो इस किले के नाम तो या जी आबादी है करीब इस दे नाम तो इहदा नाम जिहड़ा फुलड़ा रखा गया। और बाद बहावलपुर के जिहड़े हुक्मरान ने, बहावलपुर का जिहड़े नवाब ने राजा, उन्होंने अपने बेटे दे नाम मुहम्मद अब्बास के नाम ते फोर्ट अब्बास इस पिंड दा नाम या इस शहर दा नाम फोर्ट अब्बास रखा। फोर्ट अंग्रेजी किले नू आखदे ने, और शायद फोटा इस किले की वजह तो उसनू फोर्ट अब्बास आखा गया। ए बरूनी साइड है जी, लंदे वाले साइड पर
असी बाहर वाली साइड से आ गए हैं तो तुहानू दिखा रहे हैं बाहरों उनकी दीवार जिहड़ी है इहदे चार जिहड़े वड्डे तुसी कह सकते हो पिलर या दमदमे ने उन्हां दे असार बाकी ने। एक तुसी देख सकते ने यह तो एक तुहानू पहले दिखाया इहदी मेन जिहड़ी है बिल्डिंग है उच्ची उहदे कुछ असार बाकी ने और बाहरली साइड तो देखो तुसी ईटां बिल्कुल लोगों ने सारियां उखाड़ लईयां ने किधरे किधरे ईटां मौजूद ने। बैरूनी दीवार है जी किले दी। एक है दमदमा नज़र आ रहा जी तुहानू कोई पानी का नलका लगे हुआ जी किसी किसी एन जी ओ ने डोनेट किया बिल्कुल किले के नाल। इतने नाल ही एक सानू पता लगे जी मेन इहदा एंट्रेंस ही दरवाज़ा है लेकिन लोगों ने अपनी दीवारां बना लिया घर बना ले और इहदी कोई एंट्रेंस हुण बाकी नहीं है। अंदर जाने वास्ते इहदी जिहड़ी दीवार तो गुजर के जाना पैंदा है। एक होर साइड तो देखो जी किले का नज़ारा बाहरली साइड तो ऐसी गली च खड़े हैं जी बाहर आबादी दे विच उत्थों इहदी दीवार नज़र आ रही है। यह देखो तुसी लोगों के घर नहीं है और घर के उपरों किले के कुछ आसार नज़र आ रहे हैं। तुहानू वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करो जी शेयर करो और साड़ा चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। साड़े नाल रहने का बहुत शुक्रिया।